हेलो एवरीवन, आई इंद्रेंद्र सिंह एज अ लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच ऑफ देयर पॉलिटेक्निक कॉलेज। आज अपना मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है M&I। उस सब्जेक्ट के विचों टॉपिक कवर कर रहे हैं एंगुलर मेजरमेंट, जिसका कि लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 के विच अपन डिस्कस किया सी बैरल प्रोटेक्टर की वर्किंग की है, वर्किंग प्रिंसिपल्स की है, असी बैरल प्रोटेक्टर के नाल एंगल कितना मेजर करते हैं, बैरल प्रोटेक्टर दियाँ की एडवांटेजेस ने, की डिसएडवांटेज ने। अज आप एंगुलर मेजरमेंट के होर कि इंस्ट्रूमेंट्स नाल एंगल मेजर कर सकते हैं वो डिस्कस कर। दीज आर द टॉपिक्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इन दिस लेक्चर। फर्स्ट वन इज साइन बार, सेकेंड वन इज साइन सेंटर, and third one is angle gauges. Our first topic is sine bar. What is sine bar? A precision angle measuring instrument used along with slip gauges. Sine bar ki hai ek instrument hai jo bahut hi precise angle nu measure karda hai jide vich assi slip gauges di help lende hain. Tusi clearly dekh sakde ho ke samne wale block nu assi ki call karde ho sine bar. साइन बार अज उपर वाला रैक्टेंगुलर पोर्शन है, इन असं बोलते हैं बेस। बेस के वाले होल्स ने जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन रिमूव करते हैं, इन होल्स में बोलते हैं असी रिलीफ वॉल्स। इस ब्लॉक के नीचे दो रोलरस लगे हुए हैं, उन्होंने रोलरस में असं बोलते हैं सैटिंग रोलरस। साइन बार ब्लॉक के तीन फेसिस होंगे हैं, तिना फेसिस के अलग अलग नेम्स ने। जो उपर वाला पोर्शन है उन्होंने असं बोलते हाँ अपर सरफेस, जो साइड वाले सर्फिसिज है उन्होंने असं बोलते हैं एंड फेस, और जो अपन सामने फ्रंट पर दिख रहे हैं इन्हों बोलते हाँ साइड फेस। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द प्रिंसिपल ऑफ साइन बार। द प्रिंसिपल ऑफ द साइन बार इज टोटली बेस्ड अपॉन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेट्स गो टू द इमेज। इस इमेज दे विच की है ए वाला अपना पोर्शन की है साइन बार है। साइन बार दे एक साइड दे नीचे असी की कीता होया स्लिप गेजिस नु प्लेस कीता होया। साइन बार ब्लॉक के ऊपर अपने वर्क पीस नु प्लेस कीता होया। असी स्लिप गेजिस उदो तक नीचे इंसर्ट करते जाते हैं जब तक असी जिस एंगल नु मेजर करना है ओहो सरफेस प्लेट दे नाल बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। जो परपेंडिकुलर होएगा वो असी कैलकुलेट कर लेंगे फ्रॉम द स्लिप गेजिस, और जो हाइपोटेन्यूज होएगा ओदी वैल्यू अपने कोले ऑलरेडी होएगी, वैल्यू होएगी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सेटिंग रूलर्स। सेम एज इट इज जिवें तुसी देख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एल। एच बी द हाइट फ्रॉम स्लिप गेज कॉम्बिनेशन, एच असी हाइट को तो कैलकुलेट कर लेंगे स्लिप गेजिस की कॉम्बिनेशन के विच है, ये स्टैंडर्ड गेजिस होते हैं। एल इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रोलरस। एल की है दो सेंटर के विच डिस्टेंस है रोलरस के विच जो कि साडे कोल फिक्स है। थीटा एंगल है जो असी कैलकुलेट करांगे साइन थीटा का फॉर्मूला लगा के। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ साइन बार। In the use of sine bars, we should take care of some points while using the sine bar. Jivein is picture which show ho rahe hai, agar sine bar da a wala angle 45 degree to niche hoega ta jehdi sadi values hai bahut zyada accurate hon gi hai. Agar a wala angle 45 degree to zyada ho jayega ta ohde naal ki hoega sadi jehdi values hai oh inaccurate honi shuru ho jandi hai. Inaccurate on kya kyun? फर्स्ट पॉइंट इज जो सा वर्क पीस है उन्होंने 45 डिग्री तो ज़्यादा एंगल के उपर होल्ड करना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। सैकेंड की है जो सा वर्क पीस के उपर जो असी जिस प्लेन के अकॉर्डिंग असी एंगल कैलकुलेट करना है उस प्लेन सरफेस प्लेट के नाल ओरिजेंटली बिल्कुल करने के नाल जो डायल इंडीकेटर यूज होता है वो डायल इंडीकेटर यूज करने के डिफिकल्टी आ सकती है। तीसरा पॉइंट की है जिवें जिवें हाइट इनक्रीज करती जाएगी 45 डिग्री तो ज़्यादा इनक्रीज कर देगा तो सारा डायल इंडीकेटर की पोजिशन भी चेंज हो जाती है, तो फलक्रम के उपर लोड पैदा है। जिवें फलक्रम के उपर लोड पेगा तो की होएगा जो सा वैल्यू देगा डायल इंडीकेटर या गेज जो इंडीकेटर देगा वेरिएशन आएंगे, तो जो सा स्लिप गेजिस हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिए बनिया होंगे। सो
तो जे असी कोई हैवी वर्कपीस ये उपर प्लेस करते हैं तो ये वैल्यूज के चेंज आ सकता है। सेम पॉइंट्स वी हैव रिटन ओवर देयर द साइन बार इज फिजिकली क्लमसी टू होल्ड इन पोजिशन। सैकेंड द बॉडी इज द बॉडी ऑफ द साइन बार ऑबस्ट्रक्ट्स द गेज ब्लॉक स्टैक इवन इफ रिलीव्ड। स्लाइट एरर्स ऑफ द साइन बार कॉज लार्जर एंगुलर एरर्स। लॉन्ग गेज स्टैक्स आर नॉट नियरली एज एक्यूरेट एज शॉर्टर गेज ब्लॉक्स। A difference in deformation occurs at different point of rotor contact to the support surface and to the gauge blocks because at higher angles the weight load is shifted more towards the fulcrum roller. And last one is the size of gauges, instruments or parts that a sine bar can inspect is limited since it is not designed to support large or heavy objects. That's it. लास्ट केसिस दे विच असीं जो वैल्यूज कैलकुलेट कीतियां एंगल दियां साइन बार दे नाल कैलकुलेट कीतियां उस केसिस दे विच की सीगा जो वर्कपीस सीगा उहदा जिहड़ा साइज सीगा वो काफी स्मॉल सीगा एज कंपेयर टू साइन बार। पर इस केस दे विच की है जो वर्कपीस दा साइज है वो काफी वड्डा है एज कंपेयर टू साइन बार। जिवें कि तुसीं देख रहे हो इस इमेज दे विच असीं साइन बार नूं वर्कपीस दे उपर प्लेस कर दित्ता। नीचे वाली सरफेस प्लेट है, सरफेस प्लेट दे उपर असीं वर्कपीस प्लेस किया हुआ, उसके ऊपर से भी किया हुआ साइन बार प्लेस किया हुआ। इधर भी असीं दो हाइट की चीज यूज करेंगे हाइट की वैल्यू कैलकुलेट करने लिए। लास्ट वाले केस भी असीं की यूज करते सीगे स्लिप गेजेस। ये वाला अपना हाइट गेज H1 हो जाएगा, ये वाला हाइट गेज H2 हो जाएगा। इसकी रीडिंग R1 आएगी, इस वाले हाइट गेज की रीडिंग R2 आएगी। उधर भी H की वैल्यू असीं कैलकुलेट करते सीगे फ्रॉम द स्लिप गेजेस, इधर भी असीं H की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द reading R1 from height gauge R1 and R2 reading from height gauge R2. That is sin theta equals to R1 minus R2 divided by L. L is a hypotenuse, that is the distance between the two setting rollers. This is the dial indicator. Dial indicator sin bar de vich sanu angle calculate karan de vich help karda hai. इस सेम डायल इंडिकेटर के नाल असीं पहलां सरफेस प्लेट के उपर वैल्यू चैक करांगे, जीरो पर सैट कर लेंगे या किसी फिक्स वैल्यू सैट कर लेंगे। उसी वैल्यू नूं असीं फिर वर्कपीस के उपर मैजर करांगे, अगर उत्थों साडी वैल्यू सेम आ रही है दैट मीनस जो साडी सरफेस है वर्कपीस ते सरफेस प्लेट का वो बिल्कुल पैरेलल होगा। नाउ एट लास्ट सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ साइन बार। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेजेस, it is precise and accurate angle measuring device. Second one is it is simple in design and construction. And last one is it is easily available. Now disadvantages, it is fairly reliable at angle less than 15 degree but become increasingly inaccurate as the angle increases. It is impractical to use sine bar for angle above 45 degree. It is difficult to handle and position the slip gauges. Third one is the sign bar is physically clumsy to hold in position. Fourth one is the application is limited for fixed center distance between two rollers. And the last one is slight errors of sign bar cause larger angular errors. Thank you.